फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो बीच में कट हो गई थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं, जिसे ध्यान से देखिए। नंबर सिस्टम की ही ये वीडियो है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। किसे कहते हैं भाज्य संख्याएं? ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आगे ऐसे ही आप देख लेना, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हों। जैसे 4 है, 4 के 3 फैक्टर हो रहे हैं, 1, 2 और 4। ऐसे 6 के 1, 2, 3, 6 इसके इतने फैक्टर हो रहे हैं। ऐसे ही 8 के, ऐसे ही 9 के, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं। तो एक चीज नोट कीजिए, एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा है कि जो अभाज्य संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या 2 है और भाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या 4 है। अभी यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और लास्ट वीडियो में आपने देखा 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लेकिन एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसे ध्यान रखिए। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। किसे कहते हैं परिमेय संख्याएं? ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके और हर का मान कभी शून्य न हो। भिन्न क्या होती है? अंश और हर की फॉर्म में होती है, तो उसका जो हर होता है वो कभी भी शून्य ना हो। अगर शून्य होगा तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1/2 -1/7 11 1, 2, 3 इनके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पे ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इनके नीचे भी ऑलरेडी 1 है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। ऐसे 22/7 3.143 ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि अगर हम इसे पीक्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके नीचे उतनी ही जीरो लगाएंगे जितने पॉइंट के बाद नंबर हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में ना लिखा जाए तथा वर्गमूल के अंदर हो और किसी का पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे √5, √2, √3 ऐसे ही, √7, √8 ऐसे ही लिखेंगे और वो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे अगर आपने √9 लिख दिया तो वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि √9 3 का पूर्ण वर्ग है। और पाई और सिग्मा ये दोनों भी अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या इसलिए होती है क्योंकि इसका सही मान नहीं पता। 22/7 जो लिखते हैं वो एक परिमेय संख्या होती है, वो एक अनुमानित मान है, उसका कन्फर्म मान नहीं है कि इसका मान यही होगा, वो एक अनुमान लगाया गया है हमें मैथ्स में सोल्व करने के लिए, वो एक अनुमानित मान है, कन्फर्म मान नहीं है, वो एक अनुमानित मान है और पूर्ण मान नहीं है। और रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहते हैं? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन सभी को रियल नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको ऐसे ही आगे क्लासेस मिलती रहेंगी DSSB PRT के रिगार्डिंग। और मैं अभी एक दो दिन बाद साइकोलॉजी भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें, तभी आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। थैंक यू।